चिल्वाताल पुलिस द्वारा 24 घंटे के अंदर ही चैन स्निचर को पकड़कर लूटी गई चैन व लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद करने में सफलता पाई है। चिल्वाताल पुलिस को महुआ पार तिराहे पर संदिग्ध वाहन व व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से मानीराम की तरफ से आ रहा है, जिसे मुखबिर के इशारे पर महुआ तार तिराहे पर ही रोक कर पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान सनी पुत्र राम निवास निवासी रसूलपुर चकिया थाना पीपीगंज के रूप में हुई। तलाशी के दौरान इसके पास से लूटी गई चैन तथा लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किया गया। पूछताछ में उसने बताया गया कि दिनांक 6 अगस्त को चिटहुआ पुल के पास से एक महिला का चैन उसने अपने साथी कन्हैया सिंह पुत्र राम रेखा सिंह तथा के साथ लूटा था, जो लूट के बाद फरार हो गया था। पुलिस लाइन सभागार में पूरी घटना का खुलासा करते हुए एसपी नॉर्थ रोहित सिंह सहवाड़ ने बताया। पीपीगंज का रहने वाला है और जो महिला चिउटा पुल के पास में एक महिला और उसके पति बाइक से जा रहे थे, तो दो मोटरसाइकिल सवारों के द्वारा उसमें महिला की चेन लूट ली गई थी। उसके बाद तुरंत ही पुलिस के द्वारा इसमें कार्रवाई करते हुए FIR पंजीकृत की गई और जो अभियुक्त है उनकी तलाश हेतु जो योजना के अनुरूप कार्य किया गया, तो इसमें दो अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए, जिसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। जो दूसरा अभियुक्त है वो अभी फरार चल रहा है और उसकी गिरफ्तारी भी जल्द ही की जाएगी। जो इसमें चेन लूटी हुई थी वो भी बरामद हुई है, उसका जो टूटा हुआ पीस है वो बरामद हुआ है और साथ ही साथ जो लूट में प्रयुक्त जो बाइक थी होंडा ड्रीम वो भी बरामद हुई है और उसको भी पुलिस के द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया। ये वहाँ पर जो चिल्वाताल के पास में जो स्थान है वहाँ पे कभी कभी जो लूट की घटनाएं हैं, चेन स्नैचिंग या मोबाइल, इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं और इनमें से कुछ एक पीपीगंज में एक के खिलाफ मुकदमा भी लिखा हुआ है और बाकी अन्य थानों से भी पता किया जा रहा है कि कहीं अन्य थानों में कहीं इनके खिलाफ कोई लूट का मुकदमा तो पंजीकृत नहीं है।